मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। फिर आप बोलेंगे जी कि क्या खाएं क्या पिएं, जो चीज फ्रिज में नहीं रखी हो और जिसको पवन स्पर्श भरपूर हुआ हो और जिसको सूर्य का प्रकाश भी मिल गया हो उसको खाइए। माने हर चीज ताजा बना के खाइए, फ्रिज में रखी हुई मत खाइए। फ्रिज में दूध रखना भी बंद कर दीजिए, दही भी मत रखिए, इनको बाहर ही रखिए ना, तो आपके जीवन में स्वास्थ्य अपने आप आता चला जाए। दूसरा एक नियम है, आयुर्वेद का नियम है, अष्टांग हृदय का भी वो नियम है और सभी ऋषि ऐसा बोलकर गए हैं कि जो जिंदगी स्वस्थ रखनी है तो ठंडा पानी मत पीजिए, पानी गर्म करके पीजिए, कम से कम उतना गर्म हो जितना गर्म आपका शरीर है, क्योंकि गर्म पानी शरीर को बहुत तरह से सफाई कर देता है, टॉक्सिक वेस्ट को शरीर के बाहर निकाल के फेंकता है, पचने में भी मदद करता है, शरीर के पूरे तंत्र को व्यवस्थित रखता है। हल्का गुनगुना पानी, ज्यादा गर्म भी नहीं ज्यादा ठंडा भी नहीं, दूसरा ये नियम है। तीसरा ये नियम है कि आप जो भी खाना खाइए ताजा खाइए, खाना चबा चबा के खाइए, क्योंकि भारत में चबाने का बहुत महत्व है, यूरोप में नहीं है। यूरोप में क्या है ना, ठंडी है, मैंने आपको बोला ना ठंडी है, तो ये जो जबड़े हैं ना ये फ्लेक्सिबल नहीं, तो ज्यादा चबा नहीं सकते, तो जो भी कुछ है जल्दी जल्दी निगल निगल के खाते हैं वो। हमारे तो जबड़े बहुत फ्लेक्सिबल हैं, तो हमको तो चबा चबा के खाना है। और यूरोप में एक और मुश्किल है कि उनके जो मसूड़े हैं ना बहुत कड़े हैं, और कड़े मसूड़ों को साफ करना वो ब्रश से ही संभव है, हार्ड है बहुत, तो वो ब्रश करते हैं। आप मत उनकी नकल करिए, आपके मसूड़े तो बहुत सॉफ्ट है, इतने सॉफ्ट हैं कि थोड़ा भी ब्रश आड़ा तिरछा चल गया तो खून ही खून निकले। तो उनकी नकल करके टूथब्रश मत करिए, फिर क्या करें, दंत मंजन है हमारे पास, और अगर ब्रश ही करना है तो नीम के दातुन से अच्छा कोई नहीं, क्योंकि उसके ब्रसल्स बहुत सॉफ्ट होते हैं, प्लास्टिक के ब्रश के ब्रसल्स की तुलना में वो बहुत सॉफ्ट है। तो दातुन करना शुरू कर दीजिए, दंत मंजन करिए, तो दांत अच्छे रहेंगे, मसूड़े भी अच्छे रहेंगे। पानी कभी भी ठंडा मत पीजिए, तो दांत सुरक्षित रहेंगे, गला भी सुरक्षित रहेगा, पेट भी अच्छा रहेगा। हमेशा गुनगुना पानी पीजिए। और आप तो अगर जैन मानते हैं, जैन धर्म मानते हैं, तो आप जानते हैं कि ज्यादा देर रखा हुआ पानी भी मत पीजिए, क्योंकि उसमें जीव वृद्धि होती है। तो ताजा पानी बना के पीते रहे, ताजा पानी बना के माने हर समय हल्का गुनगुना करके पीते रहे। चौथा नियम यह है स्वस्थ रहना, निरोगी रहना, कि खाना खाइए तो खूब अच्छे से चबाइए, क्योंकि आपके मसूड़े तो फ्लेक्सिबल है, यूरोप में नहीं है, और इतनी बार चबाइए जितने दांत हैं आपके। एक दिन शीशे के सामने खड़े होकर अपने अपने दांत गिन लीजिए, किसी को 32 होंगे, किसी को 30 होंगे, किसी को 28 होंगे, तो रोटी का एक टुकड़ा मुंह में डाला तो उतनी बार चबाइए, जैसे 32 दांत हैं तो 32 बार चबाइए, 30 है तो 30, 28 है तो 28, खूब चबा के खाना खाइए। आयुर्वेद कहता है खाने को इतना चबाइए कि लार के साथ खाना मिले और पानी की तरह से उतर जाए, तो जिंदगी में कभी कोई बीमारी आने की संभावना नहीं। फिर ऐसे ही नियम है एक छोटा सा कि पानी पीजिए तो घूट घूट भर के पीजिए, जैसे गर्म दूध पीते वैसे पानी पीजिए, सिप करके पानी पीजिए, ताकि ज्यादा लार शरीर में जाए। लार जो है ना वात पित्त कफ तीनों को संतुलित रखती है, तो घूट घूट पानी पियेंगे तो बहुत लार जाएगी, गटगट गटगट पिएंगे तो बहुत थोड़ी सी जाएगी। एक स्वस्थ मनुष्य को जिंदगी भर स्वस्थ रहना हो तो हर दिन 4.5 से 5 लीटर लार की आवश्यकता है, वो सिप करके ही संभव है। और आप आज से ये शुरू करिए सिप करके पानी पीना, तीसरे दिन से आपको रिजल्ट मिलेगा। जिनको भी एड़ियों में दर्द है ना 3 दिन में गायब हो जाए, अगर घुटने में दर्द है ना 6-7 दिन में ठीक हो जाए, कोई भी ज्वाइंट पेन है 12-13 दिन में चला जाए, कितनी भी भयंकर संधिवात हो सिप करके पानी पीजिए। और एक सिप में उतना ही पानी लीजिए 1 चम्मच के बराबर, उसको थोड़ी देर मुंह में घुमाइए फिर पीजिए। अगर आपका वजन बहुत बढ़ गया है तो 1-1.5 महीने में ही 5-6 किलो कम हो जाएगा अपने आप बिना कोई दवा खाए। दोस्तों सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब करें, फिर लाइक कमेंट और शेयर करें, और हाँ हमारा एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करना ना भूलें।